नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल SP जीवन मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सूर्या फिटनेस जोन का एक फिटनेस चैनल स्टार्ट किया है। वहां पर आप फिटनेस, हेल्थ और ब्यूटी लाइफस्टाइल से जुड़ी जानकारियां पा सकते हैं, वीडियोज पा सकते हैं। दोस्तों, जिसकी ज़िंदगी में स्वास्थ्य कमज़ोर हो गया, अगर आप दुबले पतले हैं, गाल पिचके हुए हैं, मरेले जैसा शरीर दोस्तों किसी को पसंद नहीं आता। कोई भी गर्लफ्रेंड आपके नज़दीक नहीं आएगा, कोई भी आदमी आपसे बात करेगा तो वो आपके ऊपर चढ़ कर रहेगा। इसके लिए आज ही सूर्या फिटनेस जोन पर जाएं, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और दोस्तों एक अच्छी तंदुरुस्त शरीर के मालिक बने। तो दोस्तों चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, हम में से इस एक चीज़ की कीमत कोई नहीं पहचानता। बुजुर्गों ने कहा है कि बर से ब्याह, नखत से खेती। इसका मतलब है कि सब कुछ समय पर यदि किया जाए तो ही फलदायी होता है। बर से ब्याह का क्या मतलब हुआ, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे और बहुत से लोग जानते होंगे। मैं बताता हूं, लेकिन उसके पहले दोस्तों आज आपको एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूं। दोस्तों, जो समय को बर्बाद कर रहा है, आज नहीं तो कल आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा और इतना बड़ा भुगतान करना पड़ेगा कि आप रोगे और रोते रहोगे। कल का काम जो टालने की आदत है, आज का काम जो कल पर टालने की आदत है, इस आदत से अगर आप अभी निजात नहीं पाए तो याद रखना आपको समय की कीमत इतना गिरा देगी। आपको समय की कीमत जो आज आप नहीं पहचान रहे हो, आपको ऐसा ठोकर मारने वाली है, ऐसी परीक्षा लेने वाली है। जिंदगी आपकी परीक्षा ऐसे लेने वाली है, ऐसी कीमत आपसे वसूल करने वाली है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसमें रोते रह जाएंगे। दोस्तों, खासकर उन नव युवकों को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो आज 15 से 30 के बीच में हैं, 15 से 35 के बीच में हैं, जी हाँ, जो 15 से 35 के बीच में हैं, उनको आज मैं अच्छे से बता देना चाहता हूँ। ये एक एक पल, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट जो निकल रहा है ना, आप आशिकी कर रहे हो, करते रहिए आशिकी, लेकिन वो आशिकी भी नहीं रहेगी और जिसके लिए आप आशिकी कर रहे हो वो भी नहीं रहेगा। चाहे वो आज लड़कियाँ हों, चाहे लड़के हों, सबके लिए चीज़ ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आज से ही आपने अपने करियर पर ध्यान देना नहीं चालू किया तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि जो बुजुर्गों की कहावत है, बुजुर्गों की इस कहावत को जिसने अपने जीवन में चरितार्थ नहीं किया दोस्तों, वो हमेशा परेशान हुआ है और रोता रहा है। इसके लिए बर से ब्याह और नखत से खेती, मतलब समय में जो एक गाइडलाइन है भारत सरकार की, या बुजुर्गों ने जो कहा है कि बिटिया की 18 और बेटे की शादी 21 साल तक, ठीक उसी तरह जिसने भी समय से अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने एजुकेशन को सेटल नहीं कर लिया दोस्तों, उसे जीवन में रोने के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ये बुजुर्गों ने जो कहा है ना, बर से ब्याह नखत से खेती, एक बहुत बड़ा मंत्र है दोस्तों। हर चीज़ में उनके द्वारा कही गई बातें एक बहुत बड़ा मंत्र होती हैं, लेकिन हम लोग बस इसे यूं ही उड़ा देते हैं दोस्तों। बर से ब्याह नखत से खेती, अगर खेती भी समय से ना की जाए, लेट कर दीजिए, अगर आपको धान लगाना है, आपने जो धान में उगने वाली है फसल, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बरसीम, बेरम, क्या क्या बोलते हैं, जो भी आपके यहाँ है, अगर वो बीज आपने अभी नहीं डाला है तो गेहूँ की खेती में भी आपको तकलीफ होगी, क्योंकि खेत जुताई लायक होगा ही नहीं तो आप गेहूँ की फसल भी नहीं बो सकते हैं। इसके लिए धान की रोपाई समय पर होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज आपको समय की कीमत पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आज भी आप समय की कीमत नहीं पहचान पाए तो याद रखना, ये समय आपको बहुत पछतावा देने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है आपके ऊपर, बहुत कठिन पड़ने वाला है। इसके लिए दोस्तों, जो ये हमारी सबसे ऊर्जा वाला समय है हमारे जीवन में, दोस्तों जितना दिन आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, जितना आपका परसेंटेज बीतता जाएगा अपनी आपकी ज़िंदगी के, जितने मिनट बीतते जाएंगे उतने ही आप धीरे 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 कमज़ोर होते जाएंगे। आप ताकतवर नहीं बनते, आप कमज़ोर बनते जाते हैं। जो शरीर में ऊर्जा 15 साल, 20 साल, 25 साल तक रहती है, उसके बाद नहीं रहती है। यकीन मानिए, वो चाहे जिस चीज़ के लिए हो, चाहे आप उसे सेक्सुअल समझ लें,
या शारीरिक शक्ति समझ लें या जिस बौद्धिक शक्ति, जिस तरह से आप, जब तक आपके अंदर ये शक्तियां हैं, जब तक आप इस उम्र में हैं तब तक आपके अंदर शक्तियां हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।